हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिर्फ दो चीज़ों से बहुत ही टेस्टी और झटपट से बनने वाला नाश्ता बनाएंगे, तो सुबह की जल्दी में आप इसे बना सकते हैं और बहुत कम सामान में ये बनकर तैयार होगा। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, 3 मीडियम साइज़ के पतले लंबे कटे हुए प्याज, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हींग, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह पतला पतला लंबा लंबा कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम प्याज के सारे स्लाइस को अलग कर लेंगे। और एक बड़े बर्तन में डाल देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बेसन 4 बड़े चम्मच। तो एक साथ आप बेसन का यूज़ इसमें ना करें। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। 4 चम्मच बेसन डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जैसे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच जीरा। तो बहुत ज़्यादा इसमें मसाले हमें ऐड नहीं करने हैं। और 2 चम्मच ऐड करेंगे इसमें हम तेल। और इसी के साथ ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद प्याज और बेसन को हम अच्छे से मिलाएंगे। जो प्याज के स्लाइस में मॉइस्चर है उसी के साथ बेसन अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आप इस तरह से हाथों से मिलाएं सभी चीज़ों को। और यदि आपको ज़रूरत लगे तो 2 चम्मच पानी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और मिश्रण बिल्कुल इस तरह से बनाकर तैयार कर लें। जिस तरह से हम पकौड़ों का मिश्रण बनाते हैं ठीक उसी तरह हमें बनाना है। तो बस इसे हम तुरंत ही बनाएंगे, रखेंगे नहीं, वरना ये गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए हमने तवे को गैस पर गर्म होने रख दिया था। जैसे ही तवा गर्म हो जाए तवे पर डालेंगे थोड़ा सा तेल, अच्छे से तवे को चिकना होने देंगे। फिर हाथों में 1 बड़े चम्मच के करीब मिश्रण लेंगे, इस तरह तवे पर रखेंगे और थोड़ा सा फैला देंगे। तो हमने इसे हाथों से इस तरह फैलाया है, आप चाहें तो इसे चम्मच से भी फैला सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसे हम फैलाएंगे नहीं, क्योंकि प्याज के स्लाइस हैं तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। तो इसी तरह हमें बनाना है। धीमी धीमी आंच पर नीचे से सेकेंगे और जब नीचे से अच्छे से सिक जाए तभी हम इसे पलट देंगे। और बस दोनों ही साइड से अच्छे से दबाते हुए हमें इसे सेकना है, जिससे कि बेसन अच्छे से पक जाए और प्याज भी हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। और जब दोनों ही साइड से अच्छे से इस तरह कलर आ जाए प्लेट पर निकाल देंगे। और बाकी मिश्रण जो और बचा है ठीक इसी तरह उसके भी पैनकेक बनाकर तैयार कर लेंगे। तो उतने मिश्रण में 5 से 6 हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये। इसे आप धनिया पुदीने की चटनी या फिर सॉस के साथ सर्व करें। और यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।